Next program, read this program carefully. Enter n number from a keyboard and display sum of all entered numbers. What do you mean by this program? Suppose that first of all, runtime पर आपको n के enter क्या करना value for n. Suppose that enter value of n is entered as 3. अरे n के केस में 3 enter किया था, इस केस में runtime पर keyboard से numbers कितने read कराना है? 3 different numbers, maybe 10, 20, 30 like that, any numbers. Then display क्या कराना? Finally sum of these all numbers means इसके respect में क्या आएगा 60. अदर possible case suppose that अगर run time पर n का value enter किया, n is entered as 5, run time पर keyboard से 5 different numbers read कराना, like a 5, 7, 11, 10, 15 like that. Then display क्या कराना? Sum of them, इसके इसमें sum क्या आएगा? Whatever जो भी इनका all का sum is 5, 1, 6, 6 plus 7 is 13, 5 18, then 148. सम क्या रहा इसके इसमें 48 like that. इस टाइप से same है, अगर n का value enter किया run time पर 7, then run time पर total values कितने read होना चाहिए n के respect में 7 different number, then add them and display sum like that. इस problem को solve करने के लिए first of all source code write करने से just पहले require provide करने some variable declaration or some pseudo code is logics or steps. इस problem को solve करने के लिए सबसे पहले required input क्या है? Value of n. Like that some variable n and value of n is entered as 3. Suppose that अगर run time पर n का value 3 enter किया, then perform क्या कराना है? Every time read क्या करेंगे? Value for x some another variable item or x. ये सब x का वैल्यू ओवरऑल टोटल कितनी बार रीड डाउन करना है? 3 टाइम्स. सपोज दैट फर्स्ट, इसके अलावा जो भी एंटर्ड वैल्यू है उसका सम स्टोर कराएंगे सेपरेट वैल्यू कॉल्ड रिजल्ट. रिजल्ट में स्टोर क्या कराना? सम. और सिंपली रिजल्ट के प्लेस पर वेरिएबल नेम यूज करो एज रीडेबल नेम सम विद इनिशियल वैल्यू 0. फर्स्ट टाइम सपोज दैट इस केस में अगर n का वैल्यू 3 है, देन 3 के रिस्पेक्ट में रन टाइम पर टोटल नंबर्स कितने एंटर कराना? 3 नंबर्स. अगर n का वैल्यू 5 है, नंबर कितने रीड कराना हो? 5 नंबर्स. फाइनली ऑपरेशंस कैसे हैं? डिपेंडेंट ऑफ लूप्स. मींस x के लिए एवरी टाइम वैल्यू रीड कराएंगे इनसाइड सम लूप्स. लॉजिकली ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेंगे? n टाइम्स. अगर लूप n टाइम एग्जीक्यूट हो तो x के लिए वैल्यू भी कितनी बार रीड होगा? n टाइम्स. और x का एंटर्ड वैल्यू एवरी टाइम स्टोर कराएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सम, मैनेज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सम लाइक दैट. सपोज दैट फर्स्ट टाइम x का वैल्यू एंटर किया 10, वैल्यू ऑफ x इज एंटर्ड एज 10, देन राइट डाउन क्या करें? सम इक्वल्स टू सम प्लस x. सम का एग्जिस्टिंग वैल्यू 0, 0 प्लस 10 बिकम्स 10 असाइन टू द सम. नाउ वैल्यू ऑफ सम बिकम्स 10. नेक्स्ट टाइम टोटल स्टाइप से x के कितने वैल्यू रीड करना है? अगर n का वैल्यू 3, देन x के लिए 3 टाइम वैल्यू रीड होंगे. ये ऑपरेशंस किसके अंदर आएंगे? लूप्स के अंदर. नेक्स्ट टाइम फिर से एंटर कराया, वैल्यू ऑफ x इज समथिंग 20. एज में करो x का वैल्यू एवरी टाइम scanf फंक्शन से रीड डाउन हो रहा है, यानी x इक्वल टू 20. इन दैट केस प्रीवियस केस में x का वैल्यू क्या था? 10. नेक्स्ट टाइम x का वैल्यू क्या जाएगा? 20. 20 के केस में अगेन जो ऑलरेडी प्रीवियस सम था, प्रीवियस सम 20 से ऐड कराएंगे. यूज क्या करें? सम इक्वल टू सम प्लस x. सम का एग्जिस्टिंग वैल्यू 10 है प्लस x का वैल्यू 20. रिजल्ट क्या आएगा इस केस में? 30. 30 असाइन टू द वेरिएबल सम. नाउ सम बिकम्स 30. नेक्स्ट टाइम अगेन मीन्स फिर से नेक्स्ट ऑपरेशन क्या? रीडिंग वैल्यू फॉर x. रीडिंग वैल्यू फॉर x. नेक्स्ट टाइम x का वैल्यू scanf के थ्रू एंटर करा समथिंग 30. अब वैल्यू ऑफ x बिकम्स 30. नेक्स्ट टाइम अगेन सम इक्वल्स टू सम प्लस x. सम का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है? 30. x का वैल्यू क्या है? 30. एडिशन इज 60 असाइन टू द वेरिएबल सम. अब वैल्यू ऑफ सम बिकम्स 60. फाइनली ऑपरेशंस कितनी बार परफॉर्म हो रहा है? अगर n का वैल्यू 3 एंटर किया, देन 3 टाइम 1 2 3. मींस एग्जैक्टली सेम लॉजिक. सेम लॉजिक्स कितनी बार रिपीट हो रहा है ओवरऑल? 3 टाइम्स. अगर n का वैल्यू 5 है, देन लॉजिक्स कितनी बार रिपीट होंगे? 5 टाइम्स. n का वैल्यू अगर 100 है, देन लॉजिक्स कितनी बार रिपीट होंगे? 100 टाइम. एवरी टाइम यूनिक नंबर या डिफरेंट नंबर सीड कराएंगे, देन बार बार इनका सम कैसे मैनेज करें? इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट वेरिएबल सम. फाइनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड? इन दिस केस देयर आर 3 वेरिएबल्स आर n, x. x मींस आइटम और सम. प्लस लूप को मैनेज करने के लिए यूज क्या करेंगे? इटरेटिव वेरिएबल i.
means finally four variables ki requirement hogi, integer I comma x comma n comma, n means number of number input numbers or number of elements or item, and sum. Initial value of variable sum is 0. Next one, sabse pehle read down kya karenge, value for x or value for n, value for n, because x ke liye kitni bar value read karana hai, dependency kis par hai, n ke sath. To sabse pehle n ka value read karne ki requirement hogi, is case mein message display kara lenge initially, enter number of required elements or how many elements are required, required element or items, any readable message. Then scanf, scanf %d. जब ये प्रॉब्लम एग्जीक्यूट होगा, इस जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, इस प्रोग्राम प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने डिक्लेयर होंगे, फोर वेरिएबल्स. वी आर डिक्लेयरिंग फोर वेरिएबल्स. फोर वेरिएबल्स आर वेरिएबल एलोकेशन फॉर एक्स, एलोकेशन फॉर आई, एलोकेशन फॉर एन एंड एलोकेशन फॉर सम. देयर आर फोर वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. नेक्स्ट वन, आफ्टर दैट सम के केस में इनिशियल वैल्यू क्या असाइन किया है, एट जीरो. वैल्यू ऑफ सम, इनिशियल वैल्यू ऑफ सम इज जीरो. नेक्स्ट वन, स्कैन एफ के थ्रू वैल्यू किस में रीड होगा, वैल्यू फॉर एन. सबसे पहले एन के लिए वैल्यू रिक्वायर्ड होगा, इसलिए यूज करें परसेंट डी एम परसेंट ऑफ एन. सपोज दैट वी आर एंटरिंग वैल्यू ऑफ एन इज थ्री, एन का वैल्यू एंटर किया थ्री. नेक्स्ट वन, इसके बाद अब ये लूप मैनेज करना है, वो लूप कितनी बार मैनेज करना है, थ्री टाइम्स, और वी कैन से एन टाइम्स. किसी भी मीन्स एन टाइम लूप को मैनेज करने मतलब क्या, मीन्स वन टू थ्री अप टू एन. तो इस टाइप के लूप्स को मैनेज करने के लिए लूप के अंदर थ्री सेशन रिक्वायर्ड होंगे. इनिशियलाइजेशन, इस सीरीज के अकॉर्डिंग इनिशियल वैल्यू क्या राइट डाउन करेंगे, वन. कब तक चलाना है इसको, आई लेस देन इक्वल्स टू एन. एवरी टाइम डिफरेंस कितनी का, वन का, आई प्लस प्लस. नेक्स्ट वन, जो भी लॉजिक्स मल्टीपल टाइम बार बार रिपीट हो रहा है, मीन्स रिपीट क्या हो रहा है, रीडिंग वैल्यू फॉर एक्स एंड सम एट. वैल्यू एक्स का वैल्यू रीड कराने के लिए सबसे पहले अगेन मैसेज प्रिंट कराएंगे एज अ पुट्स एंटर आइटम, एंटर आइटम. देन वैल्यू रीड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, स्कैन एफ फंक्शन परसेंट डी एम परसेंट ऑफ एक्स. क्यों, इसके इसमें आइटम किस वैल्यू में मैनेज करें, इनसाइड एक्स. वन मोर थिंग्स, फर्स्ट टाइम जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो आई में सबसे पहले परफॉर्म क्या होगा, इनिशियलाइजेशन. इनिशियल वैल्यू ऑफ आई बिकम्स वन. आई के केस में इनिशियल वैल्यू क्या है, वन. इसके बाद आई के लिए कंडीशन टेस्ट कराएंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू एन. अगर एन का वैल्यू ऑलरेडी थ्री एंटर कर चुके हैं, इसलिए एन का वैल्यू क्या, करंटली थ्री. फर्स्ट टाइम कंडीशन एग्जीक्यूट हो, कंडीशन के अकॉर्डिंग टेस्ट क्या हुआ, आई के प्लेस पर आई का वैल्यू पुट डाउन करेंगे या वन, एंड एन के प्लेस पर ऑलरेडी क्या राइट डाउन किया, थ्री. करंट होल एग्जीक्यूशन में एन का वैल्यू फिक्स रहेगा ऑलवेज थ्री. वन लेस देन इक्वल्स टू थ्री, कंडीशन इज ट्रू. ट्रू है देन इसके से मैसेज प्रिंट हो जाएगा, पुट्स एंटर आइटम. तो इसका स्कैन एफ के थ्रू एज्यूम करो एक्स का वैल्यू एंटर किया मैंने एज एट टेन. एक्स में आसानी क्या हो जाएगा, वैल्यू एज टेन. देन आफ्टर दैट टेन को एंटर कराने के जस्ट बाद एड केस में कराना, सम के फॉर्म में. यूज क्या करें, इसके जस्ट बाद सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स. फर्स्ट टाइम एक्स के केस में एक्स को एड केस से कराएंगे सम से, मीन सम का वैल्यू जीरो. जीरो प्लस, फर्स्ट टाइम सम का वैल्यू है जीरो प्लस एक्स इज टेन. एडिशन इज थर्टी, सॉरी एडिशन इज टेन. ये एडिशन अगेन किस में आसान हो रहा है, वेरिएबल सम में, इसलिए फाइनली सम का करंट वैल्यू क्या हो जाएगा इस ऑपरेशन का, टेन. इसके जस्ट बाद कंट्रोल सेंड करेंगे टू द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन आई प्लस प्लस. नाउ वैल्यू ऑफ आई बिकम्स टू. अगेन कंडीशन टेस्टिंग, आई का वैल्यू टू, इसलिए पुट डाउन करेंगे आई वैल्यू एज टू लेस देन इक्वल्स टू थ्री. कंडीशन अगेन टू. फिर से बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करें, डिस्प्ले क्या हो, एंटर आइटम. देन एक्स के लिए न्यू वैल्यू सपोज दैट एंटर किया जाए 15, तो इसलिए एक्स में क्या आसान हो जाएगा, 15. 15 के जस्ट बाद नेक्स्ट वन, अगेन स्कैन एप के बाद चांस के सुने सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स. सम का प्रीवियस एडिशन या सम क्या रियल, 10. एक्स का वैल्यू क्या, 15.
sum is 25 is assigned to the variable sum again. इस केस में सम का न्यू वैल्यू क्या हो जाए 25. आफ्टर दैट परफॉर्म क्या हुआ, बॉडी एग्जीक्यूशन जस्ट हुआ, कंट्रोल सेंड करें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन. नाउ आई बिकम्स 3, कंडीशन टेस्टिंग 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज अगेन ट्रू. कंडीशन ट्रू है फिर से बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, अगेन मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा मॉनिटर के लिए. एंटर आइटम स्कैनअप के थ्रू एक्स का वैल्यू नेक्स्ट टाइम अगेन रीड करा, सपोजेड वी आर एंटरिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज 20, नाउ 15 और ओल्ड वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाई 20. देन स्कैनअप के जस्ट बाद अगेन एडिशन एक्सप्रेशन को चांस मिलेगा, सम के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे करंट वैल्यू ऑफ सम विच इज 25, एक्स के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे करंट वैल्यू ऑफ एक्स विच इज 20, सम इज 45 असाइन टू द वेरिएबल सम अगेन. इस सम का वैल्यू क्या हो जाएगा इस ऑपरेशन के बाद 45. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट केस क्या है, अगेन कंडीशन टेस्टिंग, सॉरी आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू क्या हो जाए 4, कंडीशन टेस्टिंग 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन बिकम फॉल्स. फॉल्स है देन कंट्रोल बाहर आएगा, बाहर आएगा तो डिस्प्ले क्या कराएंगे रिजल्ट. रिजल्ट करेंटली किस वैल्यू में स्टोर है, सम के अंदर, तो इसलिए डिस्प्ले क्या कराएंगे आउटसाइड लूप वैल्यू ऑफ सम. प्रिंट एफ सम इज और रिजल्ट इज सो ऑन परसेंट डी वैल्यू ऑफ सम, दिस द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. क्लियर. कई बार इस टाइप से पूछ लिया जाता है एंटर नंबर एंड सम ऑफ द नंबर विल नॉट एक्सीड 50 समथिंग, मीन्स आपको नंबर तब तक एंटर कराना जब तक एंटर नंबर का सम 50 के एवो नहीं हो जाता है. इस टाइप का प्रॉब्लम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे.